रायगढ़ जिले में कोविड-19 के 5 मरीजों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। रायगढ़ जिले में MCH व मातृ शिशु चिकित्सालय के अलावा सभी निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज हेतु निर्देशित किया जा चुका है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में बताते हुए सभी जिलेवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। रायगढ़ जिले में कोविड-19 के 5 मरीजों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। रायगढ़ जिले में MCH व मातृ शिशु चिकित्सालय के अलावा सभी निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज हेतु निर्देशित किया जा चुका है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में बताते हुए सभी जिलेवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अति आवश्यक है। मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है और जब तक ज्यादा जरूरी ना हो घरों में ही रहने की अपील रायगढ़ कलेक्टर ने जिलेवासियों से की है। रायगढ़ जिले में अभी कोविड-19 के 5 पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 5 व्यक्ति बाहर से आए हुए जो लेबरर हैं, जो यहाँ पे आए थे, यहीं रायगढ़ जिले के निवासी हैं, उनका ही टेस्ट में पॉजिटिव आया है। हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल पूरी तैयारी से है। हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में 3 जगह ही टेस्टिंग फैसिलिटी है, रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़। हम यहीं पे टेस्ट भी कर रहे हैं सैंपल का और यहीं पे इलाज भी हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है। हमने कोविड-19 के लिए 100-बेडेड MCH मातृ शिशु अस्पताल को इसी के लिए समर्पित कर दिया है। इसके अलावा सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं सभी के 6-6 बेड, 4-4 बेड लेकर के हमने कोविड को समर्पित रखा है। तो हमारी मेडिकल तैयारी पूरी तरीके से संपूर्ण है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरी आप लोगों से, रायगढ़ के निवासियों से अपील है कि अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है और केसेस लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले 0 था, आज के दिन में 5 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। तो इस वक्त हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी पूरी सावधानी चल रही है, प्रशासन की तरफ से पूरी सारी कोशिश चल रही है, लेकिन आम जनता से मेरी अपील है कि प्रशासन से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के हों, दुकान में जब आप जा रहे हों तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, मास्क लगा करके सार्वजनिक स्थलों पर निकलें, मास्क नहीं है तो दुपट्टा बांध करके, रुमाल बांध करके सार्वजनिक स्थलों पर निकलें, बार बार हाथ को धोना है, बाहर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, अत्यावश्यक ना हो, कृपया बाहर ना निकलें। इस बात पे मैं फिर से विशेष बल देना चाहता हूँ कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। सामान्यतया ये देखने में आ रहा है कि बहुत ज़रूरी ना होने पर भी लोग निकल रहे हैं, और अगर आप अति अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही सिर्फ निकलेंगे तो कम से कम कॉन्टैक्ट में आएंगे, क्योंकि खतरा अभी भी कोविड-19 का बना हुआ है। अभी हम पूरी तरीके से सेफ नहीं हुए हैं, इसमें और अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। कृपया सुरक्षित रहें, घर पर रहें, जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।